अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे आलू चिकन के पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी। अभी मैं फ्लेम ऑन कर लूंगी और इसमें ये चिकन डाल दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें आलू और तमाम मसाले इसमें शामिल करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इस सब चीज़ों को कुक कर लूंगी। जब ये बिल्कुल पानी इसमें ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको उतारूंगी। मिक्सचर सारा तैयार हो गया। अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट करूंगी, सारा निकालूंगी और इसमें से चिकन अलग करके आलूओं को मैं मैश करूंगी। मसाला सारा आपने इसमें निकाल लेना है। चिकन अलग कर लूंगी, इसको श्रेड कर लूंगी और आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लूंगी। ये आलू मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं और इसके अंदर अब मैं जो चिकन है श्रेड हुआ हुआ उसको डालूंगी। चिकन को अच्छी तरह से आपने रेशे रेशे करके इसमें शामिल कर लेना है और मेरे पास ये चॉप हुआ हुआ प्याज पड़ा है, मैं इसके अंदर वो डालूंगी और धनिया मिक्स करूंगी इसमें। ये सारा अमेज़ा मैं बना लूंगी। इस अमेज़े को अगर नमक मिर्च की और ज़रूरत हुई तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी किसी चीज़ की। ये मेरा मेज़ा तैयार है चिकन और आलू का। अब मैं इसके पराठे तैयार करूँगी।